हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप सभी के साथ वैलेंटाइंस स्पेशल कपकेक की डेकोरेशन के मेथड को शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने वनीला फ्लेवर के ये पेपर में कपकेक्स पहले से ही रेडी किए हुए हैं। और अगर आप इसकी डिटेल में रेसिपी देखना चाहते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया, किस तरीके से बेक किए, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर पेपर कप्स हमारे पहले से ही रेडी हैं और यहाँ पर इसकी डेकोरेशन करने के लिए मैंने रेड, व्हाइट और पिंक कलर की व्हिप्ड क्रीम को यूज़ किया है। और इन तीनों नोजल्स की क्लियर पिक और उसके नाम मैंने साइड में दे दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेकोरेशन को करना। तो सबसे पहले हम पिंक वाली क्रीम से ये रोजेट फ्लावर बनाएंगे। इसके अंदर मैंने ट्विस्टेड स्टार नोज़ल लगाया है, जिससे कि बहुत ही प्यारे रोजेट बनते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर N1 नोज़ल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े छोटे साइज़ के रोजेट बनाने थे, इसीलिए मैंने ये नोज़ल यूज़ किया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरी पिंक कलर की क्रीम जो है फिनिश हो गई है, तो मैंने एक कपकेक छोड़ दिया है, उस पर हम दूसरी डिज़ाइन बनाएंगे। अब मैंने लिया है वाइट कलर की क्रीम वाला पाइपिंग बैग, जिसमें हमने रफल नोज़ल लगाया है और इससे साइड में हम छोटे छोटे रफल्स बना देंगे। जहाँ पर पिंक फ्लावर के पास में स्पेस है, बस वहीं हम ये 4 से 5 का रफल बना देंगे और ऐसे ही हम पूरे कपकेक्स के ऊपर डेकोरेशन कर देंगे। अब मैंने लिया है फ्रेंड्स रेड कलर की क्रीम वाला पाइपिंग बैग, जिसमें हमने स्टार नोज़ल लगाया है और जो साइड में थोड़ी थोड़ी स्पेस बाकी है, वहाँ पर हम दो दो या जहाँ स्पेस एक की है तो वहाँ पर एक इस तरीके के छोटे छोटे फ्लावर्स बना देंगे। तो आज हम वैलेंटाइंस डे कपकेक्स की डेकोरेशन कर रहे हैं, इसलिए मैंने पिंक, वाइट और रेड कलर की क्रीम का यूज़ किया है। लेकिन आप जिस भी थीम के लिए कपकेक्स डेकोरेट करना चाहते हैं, आप उस हिसाब से क्रीम का कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर फ्रेंड्स फ्रोज़न थीम कपकेक्स और क्रिसमस कपकेक्स की डेकोरेशन के मेथड भी शेयर किए हुए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और ये हमारा लास्ट वाला कपकेक जो हमारा रह गया था, इस पर मैं रेड कलर के इस तरीके के स्वर्ल वाले रोजेट बना रही हूँ। और ऐसे ही वाइट कलर की क्रीम से मैं इसके साइड में छोटे छोटे ये फ्लावर्स बना दूंगी, ये देखिए। तो मैंने तो फ्रेंड्स इन्हें किसी के ऑर्डर के लिए बनाया था, मुझे 25 कपकेक्स एक जैसे ही बनाने थे, तो मैंने ये सारे रेडी कर दिए हैं। अब इन्हें और डेकोरेट करने के लिए, थोड़ी सी और ब्यूटीफुल लुक लाने के लिए, मैं इनके ऊपर कुछ सिल्वर और वाइट कलर के पर्ल्स भी स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो देखिए, कुछ ही मिनटों में बहुत ही आराम से हमारे ये कलरफुल से कपकेक्स रेडी हो गए हैं। तो आप मेरे इस डिज़ाइन को, मेरे इस मेथड को जरूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो जाते जाते लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में दिया गया बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर क्लिक कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आप सभी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।